अगर यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, एक मौलाना कहते हैं कि सर पे कफन बांध के मुसलमान सड़कों पे निकल जाएगा, तो मौलाना को ये नहीं मालूम है 125 करोड़ में 80 करोड़ हम बहुसंख्यक है। हाँ। और ये सर पे कफन ना पैदाइशी लेके है, बाई बर्थ सर पे कफन लेके हम लोग पैदा हुए हैं, पैदा ही हुए हैं, हम डरते नहीं है, लेकिन संविधान का सम्मान करते हैं। अगर सरिया के कानून की आप बात कर रहे हो तो हम खुलेआम कह रहे हैं कि केसरिया कानून हम फहराएंगे। फिर अगर चलना है तो संविधान से चलिए और शांति से चलिए, और शांति भंग करोगे पत्थर उठाओगे तो भैया मैं बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पत्थर कम ना पड़े, इसलिए बुलडोजर चल रहा है कि और लो पत्थर चलाओ, कितना चलाओगे, चलाओ ना कितना चलाओगे, ईंट का जवाब मकान तोड़ के देंगे, फेंको कितनी ईंटें फेंकोगे आप फेंको। किसी ने भी आज तक ये कहा कि मंगलवार वाले दिन हिंदू समुदाय हनुमान चालीसा का पाठ करके मंदिर से निकला और पत्थर उड़ा लिया? नहीं। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, सीएए टाइम हो, एनआरसी का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, एक विशेष समुदाय शुक्रवार वाले दिन हाथ में पत्थर, नमाज पढ़ के हाथ में पत्थर लेकर बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा करने के बाद हाथ में प्रसाद दिया जाता है जिसे हम लोग सबको वितरित करते हैं, लेकिन ये लोग नमाज पढ़ने के बाद पत्थर उठाते हैं और सबको मारते हैं। क्यों? इस देश में हमारे भी वही हाथ पैर हैं, हम शांति से रह रहे हैं, भाईचारा। तुम भाईचारे की बात करते हो, यही भाईचारा है, यही भाईचारा है। अरे भाईचारा है, तुम मेरा मकान ले लो आके, मैं देता हूँ ना, कितना चाहिए ले लो। अगर हमारी आस्था है काशी में और आज की है और पूर्वजों की है और 17 लड़ाइयों से भी है और यहीं तक नहीं थमेंगे, अगर भाईचारे में देना चाहते हो जी, तो दो जी, नहीं तो 30,000 का हिसाब लेंगे। हम वो पीढ़ी हैं जो जाग गए हैं, हम दो और हमारे दो हम पे लागू, और तुम 4 और गिनते रहो, ऐसे नहीं होगा जी। सर सवाल ये उठता है कि नवाज के बाद पत्थरबाजी क्यों, क्यों ऐसा देखने को मिलता है? भाई जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही तो होगा, ये तो मदरसे की मेरे हिसाब से तालीम है फिर। हाँ। भाई हमारे यहाँ तो ऐसी कोई गुरुकुल में तालीम नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई तालीम नहीं है, लेकिन एक विशेष समुदाय ही क्यों पत्थर उठाता है, कोई इसकी जवाब दे। कश्मीर से लेके कहीं भी देख लो, आज कश्मीर में पत्थरबाजी पे रोक लग गई है, लेकिन वहां पे टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। आज कानपुर के अंदर जो पत्थर उठाया है वहां पर टारगेट किलिंग की गई, क्यों? नाम पूछ पूछ के, नाम पूछा, भाई तेरा क्या नाम है? अब्दुल, हट जा। तेरा क्या नाम है? राम, ले। क्यों? टारगेट किलिंग। अरे वो जो रिक्शे वाला जो पूरा फटा हुआ था, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उसने, जो तुमने उसको मारा है, नाम पूछ पूछ के मार रहे हो। अगर हम नाम पूछने पे आ गए ना तो जगह कम पड़ जाएगी, पाकिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान पार निकल जाओगे, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारे बाप दादाओं का है, 574 रियासतें दान में दी हमने, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे नहीं, सारे कागज हैं, सब कुछ है। तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है, लाओ ना कागज। 57 मुस्लिम देश है ना, तो मंगवाओ अपने कागज। कौन कौन से आर्किटेक्ट हैं आपके, हैं कौन कौन से आर्किटेक्ट है? अगर इतने ही बड़े आर्किटेक्चर थे तो वहां पे सऊदी में क्यों नहीं बना पाए? अरे किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं यहाँ के हम। हाँ, हिस्सेदार हैं, इसलिए तो पाकिस्तान ले गए थे मजहब के नाम पे, और मजहब के नाम पे पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है, और हिस्सेदार हैं तो इसलिए तीसरा देश भारत। अरे भैया अब हम सेकुलर नहीं बनेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है जो हमें पागल बना के सेकुलरता का पाठ पढ़ाया, एक साथ मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ तो सारे बाहर कर देते, नहीं किया, 3 देश दे दिए। भारत में हिस्सा क्यों दिया, क्यों दिया भारत में हिस्सा? अरे हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाते, हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और करेंगे, क्यों? उसका कारण है, आप मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे 57 देश बनाओगे और हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम एक देश नहीं बनाएंगे। भारत में आवाज उठ चुकी है और हिंदू राष्ट्र आने तक रुकेगी नहीं, और मैं आज ये लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होगा, एशिया के आधे से ज्यादा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। कह रहे सेकुलर देश है ये, सेकुलर कौन कह के गया? ये कह के गए खाली इसीलिए कि इनको यहाँ देश में रहना है, इसीलिए अगर देश में रहना है ना तो सेकुलरता का पाठ फिर दोनों तरफ लागू होगा, मेरी तरफ लागू नहीं होगा, आपके भी तरफ लागू होगा ना। आप इधर मुझे भाईचारा कह के पत्थर मार रहे हो, काट रहे हो पीट रहे हो, क्यों? ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सर ये बताइए, जब पत्थरबाजी करने वालों पे कार्रवाई होती है तो कहने लगते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ, ये तो विक्टिम कार्ड है इनका। हाँ। ये तो विक्टिम कार्ड है, हिंदू पिटेगा तो ये शांत रहेंगे देखेंगे जी। और हमारा हिंदू सोया हुआ है,
कुछ लोग हैं आते हैं निकलते हैं मदद के लिए, लेकिन बाकी के हिंदू जो है ना वो अपने परिवार की जीविका के लिए लगे हैं। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज आप जीविका के लिए लगे हो जी, लगे रहो, लेकिन कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित निकाले गए थे क्या नहीं था उनके पास? सेब के बागान, केसर के बागान, आज हैं क्या? कहाँ हैं आज वो? अरे हम 800 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी 35 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 35 साल छोड़ो, अभी 35 घंटे पहले की बात देखो ना, 35 घंटे पहले क्या किया? तो भाई ये भाईचारा नहीं चल पाएगा, अब बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर भाई मानते हो, भाई मानते हो तो भाइयों की तरह रहो जी, भाइयों की तरह सहो। लेकिन सदियों से भाईचारा चला आया, ये तो मोदी जी ने आके खराब कर दिया है। हाँ, सदियों पहले 1947 में ना भाईचारे में ना पूरी ट्रेन काट के और पूरी भर के लाशों से भेजी थी, इसी भाईचारे का तोहफा था वो। 47 का बंटवारा, कोई बाहर से नहीं आता, कार सेवा करके आ रहे थे ना गुजरात में, तो दो बोगी जला दी थी, दो बोगी, यही भाईचारा था, यही भाईचारा था। CA के नाम पे पूरी दिल्ली में अराजकता फैलाना, यही भाईचारा था। CA के नाम पे दिल्ली को बंधक बना लेना शाहीन बाग में, यही भाईचारा था। सबका अधिकार है कहने का और प्रोटेस्ट करने का। जाओ ना जंतर मंतर पे, ये दिल्ली को बंधक क्यों बनाते हो, ये सड़कों को बंधक क्यों बनाते हो? लड़ना नहीं आता क्या? आज हम कानून से लड़ रहे हैं, हमने अभी हथियार नहीं उठाया है, हम कानून से लड़ रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है? पर वे लोग कानून क्यों नहीं मानते, क्यों पत्थरबाजी करने पे उतारू हो जाते हैं अगर किसी ने पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी कर दी तो? देखिए नुपुर शर्मा जी का जो मामला है ना, मैं उसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उन्होंने जो भी बोला है वो आप ही ने तो लिखा था, या आप ही की तो किताब में लिखा है, या आप ही के तो मौलाना डिबेट पे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, भाई मुझे भी डर लगता है, मेरे भी बच्चे हैं, पता चला अभी निकला किसी ने मार दिया क्यों जी? भाई निपुर शर्मा को तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमें थोड़ी मिलेगी, लेकिन हम बोलेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, वही बोला जो आपकी किताब में लिखा है, और नहीं लिखा है तो दिखाओ फिर, दुनिया को बताओ क्यों क्या लिखा है वो बताओ ना, कुछ गलत थोड़ी बोला उन्होंने। सर सवाल ये भी उठता है कि सब नुपुर शर्मा को याद करते कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला, लेकिन उन मौलानाओं से कोई सवाल नहीं पूछता जो लगातार महादेव पे गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कुछ मौलाना कह देते हैं इसको प्राइवेट पार्ट है। यही तो हम लोगों को सेकुलरता में पढ़ाया गया कि भाईचारा बोल के इनके साथ जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं है, हम कानून के दायरे में समान कानून नागरिकता में रहते हैं, लेकिन सभी को समान कानून नहीं मिल रहा है। इन्हीं कानूनों के तहत में हम लोगों के साथ में भेदभाव विशेष समुदाय के लिए करते हैं और करते रहेंगे, ये क्यों, ये जब तक करेंगे, जब तक हम जैसे लोग अगर इनका बहिष्कार नहीं करेंगे नेताओं का, क्योंकि इनकी विचारधारा साफ है। अभी कल का ही मामला है, गोल्डन टेम्पल पे खालिस्तान जिंदाबाद के रैली निकली है, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी सुरक्षा दे रही है, क्यों पूरी सुरक्षा दे रही है? खालिस्तान जिंदाबाद, आजादी, यह आजादी, आजादी क्या है यह आजादी? जिस देश में रह रहे हो यहाँ से ज्यादा आजादी किसी को मिल जाएगी? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप संविधान को नहीं मान रहे हो ना, तो पूरी तरह सरिया मान लो, और अगर सरिया इतना अच्छा था तो अफगानिस्तान में भागने वाले प्लेन पर चढ़ के नहीं भागते और ना वो ऊपर से गिरते, अगर सरिया इतना अच्छा था। और सरिया मांगना चाहते हो ना तो पूरा अपनाओ, चोरी करने पर हाथ भी कटवाओ अपने, जो सजा है, फिर कानून की तरफ मत भागो कि हमें छोड़ दो, फिर पूरा मानो, मानो तो पूरा मानो, वरना हम लोगों के ऊपर भाईचारे के नाम पे ना सरिया मत थोपो, हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये देश संविधान से चलता है, चलेगा और चलता रहेगा। देवबंद के मौलानाओं का ये बयान आता है कि अगर आपको हमारा धर्म, हमारा मजहब प्यारा नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, ये मुल्क हमारा है। इनके बाप दादा रजिस्ट्री कर गए थे क्या, ये मुल्क हमारा है? अगर ये मुल्क इनका होता तो 1947 में मजहब के नाम पे बंटवारा कभी होता ही नहीं, अगर ये इनका होता कभी नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं, ये मक्कार हैं, फरेबी हैं, ये अपने मतलब के लिए किसी को भी भाईचारे के नाम पे काटने को तैयार रहते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अगर भाईचारा और ये देश इनका होता तो इस देश के तीन टुकड़े नहीं होते, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ यही जाते हैं ना, भारत के दो टुकड़े हुए, दो नहीं हुए, तीन हुए, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश, और तीसरा हिस्सा हमारा भारत। अगर मजहब के नाम पे ही भेजा जाना था ना, तो भारत में रोकना नहीं चाहिए था, और जब भारत में रोक दिया तो दो नहीं, गिनती सुधारो हिंदुओं, तीन देश दिए, तीन, और
इस भाईचारे को अगर पहचानना है, ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे हम लोगों को सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सरकार के आगे कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड। भाई एक तरफ तीन तलाक आता है, गवर्नमेंट लाती है, संसद में बिल पास होता है, आप उसे मानते नहीं हो। एक तरफ काशी में 91 एक्ट लागू है, आप उसे मान रहे हो। या तो आप बेवकूफ है या हम पागल हैं, अंधे हैं, जो हमें दिख नहीं रहा। अरे वो चाय की दुकान पे नहीं बना था, तीन तलाक का मामला, सीए का मामला, किसान का, किसी चाय की दुकान पे बनाए गए थे, वो भी संसद में पास हुए हैं बिल। 91 की दुहाई देने वालों, पहले उसका विरोध बंद करो, वो भी संसद में ही पास हुए हैं। अगर भाईचारा और ये देश आपका, तो फिर अकेला हिंदू बेचारा क्यों?